नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। भारत की अर्थव्यवस्था तेज स्पीड से दौड़ लगा रही है। दुनिया भर के अलग अलग देशों के साथ भारत के कारोबारी रिश्ते बेहतर हो रहे हैं और इनका विस्तार हो रहा है। इससे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भी भारत की ग्रोथ स्टोरी की जमकर सराहना की है। IMF ने भारत को स्टार परफॉर्मर बताया है। IMF ने ग्लोबल इकोनॉमी में भारत के रोल को महत्वपूर्ण बताया। IMF के मुताबिक बीते कुछ बरसों से भारत की विकास दर बेहद मजबूत रही है। ऐसे में भारत दूसरे देश के मुकाबले एक स्टार परफॉर्मर की तरह उभर कर सामने आया है। इसकी वजह क्या है, चलिए आपको बता देते हैं। तो भारत अपने मुकाबले के देशों की तुलना में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बड़ा उभरता बाजार है। IMF का अनुमान है कि इस साल वैश्विक विकास दर में भारत का योगदान 16% से ज्यादा रह सकता है। IMF के पूर्वानुमान के मुताबिक 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.3% की दर से बढ़ेगी और IMF ने भारत की युवा आबादी को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि युवा शक्ति के दम पर भारत इस साल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की राह पर है। भारत की जनसंख्या, भारत सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार की पहल, डिजिटलाइजेशन और उसकी प्रोडक्टिविटी ग्रोथ में मजबूती दे रहे हैं। IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कोरोना महामारी के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से उभरी है। 2022-23 के दौरान महंगाई दर में कमी आई और बजट घाटा भी कम हो गया। हालांकि ग्लोबल ग्रोथ स्लोडाउन समेत ग्लोबल एडवर्सिटीज का सामना भारत को भी करना पड़ा है। इसके साथ ही पब्लिक डेट के हाई पर बने रहने से भी भारत को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही कई राज्यों में नौकरशाही और लाल फीताशाही का असर बरकरार रहने से भी ग्रोथ पर असर पड़ रहा है। लेकिन भारत के पक्ष में जो बातें जा रही हैं उनमें है निवेश और विकास के लिए जरूरी राजनीतिक स्थिरता, कारोबारी माहौल को बढ़ावा देने के लिए सरकार के उठाए गए कदम शामिल हैं। IMF ने कहा कि अगर बड़े स्तर पर सुधार किए जाते हैं तो भारत में अतिरिक्त लेबर और ह्यूमन कैपिटल की मदद से तेज ग्रोथ दर्ज करने की क्षमता है। वहीं चीन की अर्थव्यवस्था में आती कमजोरी भी भारत के लिए फायदेमंद मौका है। बड़ी विदेशी कंपनियां चीन से बाहर निकालकर भारत का रुख कर रहा है और ऐसे में भारत के पास चीन का विकल्प बनने का मौका है। ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।